सारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। बात सबसे पहले चुनावी खबरों की करते हैं। दरअसल लखनऊ में आज बीजेपी मुख्यालय से बीजेपी चुनाव प्रचार के अभियान के लिए प्रचार वाहन रवाना किया गया है। इस मौके पर प्रदेश सह प्रभारी अनुराग ठाकुर, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की जनता आज खुशहाल है, अब कोई भी किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, ना ही पलायन के लिए मजबूर किया जा सकता है। प्रदेश लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। गठबंधन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया आपने, और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे, प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी। लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं, प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में, प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। कि भाजपा की जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है तो प्रगति हुई, तो किसकी? किसानों की। प्रगति किसकी हुई? नौजवानों की। प्रगति किसकी हुई? महिलाओं की। प्रगति किसकी हुई? गरीबों की। प्रगति किसकी हुई? गांवों की। प्रगति किसकी हुई? जिनकी जरूरत थी। और पलायन किसका हुआ? उत्तर प्रदेश से तो दंगाइयों का। पलायन किसका हुआ? तो अपराधियों का। पलायन किसका हुआ? तो व्यभिचारियों का। पलायन किसका हुआ? तो माफियाओं का। पलायन किसका हुआ? तो गुंडागर्दी करने वाले, कब्जा करने वालों का। और प्रगति हुई मेरे प्रदेश की। और अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करने करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। इसीलिए मैं कहता हूं, उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हुए, पलायन को पलायन करवाने वाले, इसीलिए यूपी मांगे फिर से भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद, आदरणीय योगी सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, मैं भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त किया और 5 लाख नियुक्तियों में, बाकी भी नियुक्तियों में 1 रुपया का रिश्वत नहीं लगा मित्रों, और 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। दूसरी बात, जो सरकारें आती है जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद की बात करती हैं, नियुक्तियों में जातिवाद का भी आरोप नहीं लगा मित्रों। और गुंडागर्दी मैं जड़ से समाप्त किया हूँ। एक भी बेटी, एक बच्चे को कोई भी अब उत्तर प्रदेश में किसी दुकान से, किसी व्यापारी से कोई वसूली नहीं कर सकता, गुंडा ही नहीं कर सकता है। गुंडागर्दी समाप्त करने का काम किया हूँ। और मित्रों, ऐसे भ्रष्ट और बेईमानों के प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने वाली पहली उत्तर प्रदेश की सरकार कोई है? कारण योगी सरकार है मित्रों। लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे थे, तमाम बड़े नेता मौजूद उस वक्त रहे जब बीजेपी मुख्यालय से अपने दर्शकों को बताएं कि प्रचार जो वाहन है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना मुख्यमंत्री ने किया है। आलोक गुप्ता हमारे संवाददाता लखनऊ से इस खबर पर जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। आलोक, आज से प्रचार वाहन 403 विधानसभाओं में घूम घूम कर बीजेपी का प्रचार करेगा, किस तरह की रूपरेखा है इस रथ की, और साथ ही ये बताइए कि आज कहां कहां जाने का कार्यक्रम है इस प्रचार वाहन का? देखिए, पूरे प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए ये प्रचार वाहन रवाना किए गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश सरकार के कई मंत्री यहाँ पर मौजूद रहे हैं। ये एलईडी वाहन है, स्वतंत्र देव सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं, अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे, और इनकी मौजूदगी में ये एलईडी वाहन है जिसमें सरकार की उपलब्धियां
भी दिखाई जाएंगी और कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश में योगी सरकार ने पिछले 5 साल में कौन कौन से प्रमुख कार्य किए हैं और इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने संबोधन भी किया है और बताया है कि जो फोकस रहा है विकास कार्यों को उसको लेकर फोकस रहा है और साथ ही प्रदेश से माफियाओं को किस तरीके से खदेड़ने का काम किया गया है यह भी मुख्यमंत्री योगी ने बताया है कि अब माफिया राज प्रदेश से समाप्त हो गया है और जनता का राज है, कानून का राज है और ये जो एलईडी तो जो वाहन है पूरे प्रदेश के अंदर सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम करेगी। जी आलोक, चूंकि कई जोन है, अलग अलग जोन में लगातार सह प्रभारी भी बनाए गए हैं, क्या उनको जिम्मेदारी होगी अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रचार वाहन को आगे बढ़ाने की और कार्यक्रम रूट कैसे तय होगा, जरा इस बारे में भी बताएं। आपका सही सवाल है। देखिए, मैंने बताया है कि हर एक जिले के अंदर इनकी एंट्री होगी और आज लखनऊ से रवाना हो गए हैं, वेस्टर्न यूपी हो चाहे पूर्वांचल हो चाहे बुंदेलखंड हो, हर एक क्षेत्र में ये वाहन पहुंचेंगे और मैंने बताया कि एलईडी युक्त है ये वाहन जो उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे, साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। आपने रथ देखा जिसमें एक एलईडी लगी हुई है, उसमें लगातार एक फिल्म चलती रहेगी जो तमाम उपलब्धियां योगी सरकार की